फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौसली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, इसके इलाज क्या है, कारण क्या है, कॉजेस क्या है, एवरीथिंग इज ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशन, लाइक बटन, उसे दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? अगर किसी शख्स की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँ तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसमें हड्डियों का बोन मास कम हो जाता है और वे फुरफुरी हो जाती हैं। इस बीमारी में दर्द के अलावा हड्डियों का फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे साइलेंट डिजीज कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का एक रोग है, इसे हिंदी में भंगुर कहते हैं, जिसमें रोगी की हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं। हमारी हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फेट और कॉलेजन नाम के प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। ये तत्व आपस में मधुमक्खी के छत्ते की तरह जुड़े होते हैं। ही व्यक्ति के शरीर की हड्डियों के अंदर बहुत कम रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण हड्डियां मजबूत होती हैं और आसानी से भारी दबाव और झटके सह लेती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर रोगी की हड्डियों के बीच यही रिक्त स्थान बढ़ता जाता है और इसी कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस होने पर थोड़ा सा झटका लगने या गिरने पर रोगी की हड्डियाँ टूट जाती हैं। आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता, मगर इसके सबसे ज़्यादा खतरा उम्र दराज लोगों को होता है और पुरुषों से ज़्यादा इस रोग महिलाएं प्रभावित होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोग के कारण कई बार व्यक्तियों की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उठने बैठने से भी टूट जाती हैं। आमतौर पर इस रोग के कारण सबसे ज़्यादा खतरा पसली हड्डी और कूल्हों की हड्डी, कलाई की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को होता है। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण और ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ये हैं, कमज़ोर शरीर और कद छोटा होना इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा धूम्रपान, स्मोकिंग करना, शराब का सेवन करना, दिनचर्या में व्यायाम और योगा इत्यादि को शामिल नहीं करना, खाने में विटामिन डी की मात्रा कम लेना और कैल्शियम युक्त पदार्थ ना लेना, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार ना लेना, पीरियड्स मासिक धर्म में अनियमित होना या जल्दी मेनोपॉज हो जाना, आर्थराइटिस या टीबी जैसी कई बीमारियां पहले होना है, प्रोटीन की कमी के कारण बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, ज़्यादा नमक से भी इस बीमारी के पाँव पसारने का मौका मिल सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स। यूँ तो आरंभिक स्थिति में दर्द के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ खास लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जब अक्सर कोई मामूली सी चोट लग जाने पर भी फ्रैक्चर होने लगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का बड़ा संकेत होता है। इस बीमारी में शरीर के जोड़ों जैसे रीढ़, कलाई, हाथ की हड्डी में जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा बहुत जल्दी थक जाना, शरीर में बार बार दर्द होना, खासकर सुबह के वक्त कमर में दर्द होना भी इसका लक्षण होते हैं। इसकी शुरुआत में तो हड्डियों और मांसपेशियों में हल्का दर्द होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता है जाता है। खासतौर पर पीठ के निचले हिस्से और गर्दन में हल्का सा दबाव पड़ने पर तेज़ दर्द हो जाता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआती दौर में अक्सर पता नहीं लगता। इसलिए इसके जोखिम से बचने के लिए आप 50 साल की आयु के बाद रेगुलर डॉक्टर से एक्सरे कराएँ और इस बीमारी को बढ़ने से रोकें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हम नेचुरल रेमेडीज़ के द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो हम पहले जो रेमेडीज़ नेचुरल रेमेडीज़ लाए हैं, तिली यानी तिल, सेसमी, इसके यूज़ करने से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाता है। आपको इसका यूज़ कैसे करना है? इस तिल को, जो सेसमी होती है, गर्मी में अगर आपको इसको यूज़ करना, गर्मियों में एक चम्मच आपको इसको रात को भिगो दें, फिर सुबह इसको पानी से निकाल कर अच्छी तरह से चबा के खा लें। सर्दियों में इसको बिना पानी भिगोए उसको आप दूध के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। दोस्तों, अगली जो रेमेडीज़ है हमारी होम रेमेडी नेचुरल रेमेडीज़, वो है सेब साइडर सिरका। एक कप गर्म पानी करें, एक कप पानी में सेब का सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को सेवन करें। आप उसको रोज़ भोजन से पहले, खाने से पहले इसका यूज़ कर सकते हो। अब जो है हमारी रेमेडीज़, धनिया। एक कप धनिया का जूस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कब यूज़ करना, रोज़ाना सुबह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद
होगा आपके लिए। दोस्तों अगली जो रेमेडीज़ है त्रिफला, आधा चम्मच त्रिफले का पाउडर एक गिलास गर्म पानी में, एक गिलास पानी में त्रिफले का पाउडर मिला है, इस मिश्रण को यूज़ करें। इसको आप कब कर सकते हैं, इसका सेवन दिन में एक बार आप कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगला जो है एक आंवले का जूस, एक कप आंवले का जूस। आंवले का जूस आपको कब यूज़ करना है, आंवले के जूस का सेवन आप रोज़ाना कभी भी कर सकते हो, आंवले का जूस का यूज़ ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अगला जो है अंकुरित बीज स्प्राउट्स, एक छोटा कप सोया स्प्राउट्स या सोया स्प्राउट्स हैं, अंकुरित सोया स्प्राउट का सेवन करें। आप इन स्प्राउट को सीधे खा सकते हो या अपने पसंदीदा सलाद में शामिल कर सकते हो इसका। दोस्तों अब आपको क्या करना है, रोज़ एक गिलास गुनगुना दूध पीना है, एक गिलास गुनगुने दूध का सेवन आपको करना है, रोज़ाना एक गिलास दूध आप पीजिए, ये आपकी हड्डियों के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे योगा फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे कौन से योगा हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस में फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों पहला जो है उदासन, उदासन हड्डियों में खिंचाव पैदा करके इन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। ये वाला जो आसन है रीढ़ की निचली हड्डियों, पैरों और हिप्स की हड्डी को मजबूत बनाता है। इस आसन से शरीर के हर हिस्से को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचता है और संतुलन बढ़ाने में मदद मिलती है। उदासन जो बॉडी में जो प्रजनन तंत्र और हार्मोन्स का जो अनबैलेंस होता है उसको भी ठीक करता है। शुरुआत में इस आसन को आप अभ्यास कर समस्या होती है, पर धीरे धीरे आप इसका प्रैक्टिस करने से आपको इसमें फ़ायदा होगा, आप इसका प्रैक्टिस करें। अगला जो योगा है वीरभद्र आसन, ये बहुत ही कमाल का आसन है क्योंकि एक साथ आपकी बाह रीढ़ पैरों पर काम करता है, ये मांसपेशियों के साथ ही हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। ये आसन शरीर को बैलेंस सुधारने में मदद करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने, हार्मोन का बैलेंस को भी ठीक करता है। आप इसको देख रहे होंगे इमेज में, इसी तरीके से आपको करना है। दोस्तों अब हम अगला जो ट्रीटमेंट लाए फिजियोथेरेपी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ऑस्टियोपोरोसिस में। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से इससे आप एक्सरसाइज सीख सकते हो, नहीं तो हमने जो आपको दिखा रहे हैं इसको हल्का हल्का, इसको आप एक चेयर के ज़रिए बहुत ही हल्के तरीके से आप फिजियोथेरेपी आप अपनी ऑस्टियोपोरोसिस में कर सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस से आप में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपको सैर और डेली आपको सैर भी करनी है, यानी वॉकिंग करनी है मॉर्निंग में। दोस्तों हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आहार, यानी आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। मजबूत हड्डियों के लिए पोषक तत्व युक्त संतुलन बैलेंस आहार डाइट होना बहुत ज़रूरी है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में ये काफ़ी मदद करती है। इसलिए डाइट में इन सभी चीज़ों को शामिल करें, प्रोटीन कैल्शियम विटामिन डी जैसे पोषक तत्व हड्डियों के विकास और उनमें सुधार और हड्डियों की मजबूती प्रदान करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम में अहम भूमिका भी निभाते हैं। अपनी डाइट में आप अपने डॉक्टर से सलाह से इन पोषक तत्वों को शामिल कर सकते हो। प्रोटीन के लिए किडनी बीन्स, दाल, मटर, बीन्स, बादाम, हेजल नट्स, मिक्स नट्स हैं, पीनट्स हैं, पीनट बटर है, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, सोया प्रोटीन उत्पाद, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद। कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, केले, केल, सरसों का साग, शलजम का साग, गोभी, बादाम, ब्राज़ील नट, सूरजमुखी के बीज, सूखे बीन्स आदि। विटामिन डी के लिए, विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, तो आप उसमें यूज़ करें। दोस्तों अब अगला जो है ऑयल मसाज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस से आप जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं उसे मालिश करें, नारियल का तेल का उपयोग करें, ये बेहद मददगार होता है। नारियल का तेल शरीर के लिए आराम देता है और दर्द में। अगला जो ऑयल मसाज है तिल के तेल से मालिश करना आपकी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। कुछ गर्म तेल तिल के तेल लें, उसे अपने शरीर पर लगाएं, कम से कम 15 मिनट के लिए धीरे धीरे मालिश करें जब तक कि तेल त्वचा सोख ना ले। 10 मिनट बाद आप स्नान कर सकते हो। जहाँ भी आपको दर्द है इसका आप लगा सकते हैं। एक महीने में आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका परिणाम रिजल्ट दिखेगा। ये था हमारा ऑस्टियोपोरोसिस पे वीडियो, आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।